हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हनुमान जी को समर्पित बुरा मंगलवार का महत्व और जानकारी। बुरा मंगलवार का महत्व जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा पाठ करने से वे प्रसन्न होते हैं। पर कुछ खास मंगलवार भी होते हैं जिन पर हम सभी हनुमान जी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उसी मंगलवार में से एक है बुरा मंगल। बुरा मंगल पर्व क्या है अधिकतर लोगों को नहीं पता है। बुरा मंगल भाद्रपद मास के अंतिम मंगलवार को बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पर बुरे हनुमान मंगल या बुरवा मंगल भी बोला जाता है। बुरा मंगल हनुमान जी के विधि यानी बुरे रूप को समर्पित है। हनुमान जी का एक रूप बुरे हनुमान नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसको वृद्ध मंगल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव भाद्रपद यानी भादौ माह के अंतिम मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसे प्रचलित भाषा में बुरे मंगल के नाम से भी जाना जाता है। बुरवा मंगल दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में ज्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में ही कहीं कहीं पर लोग इसको ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बुरा मंगल के नाम से मानते हैं, जबकि वह बड़ा मंगल होता है। उत्तर भारत में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पवन पुत्र हनुमान के नाम पर लंबे समय से बुरवा मंगल मनाया जाता है। कहते हैं मंगल को जन्मे मंगल ही करते अमंगल को हरते, ऐसे ही है भगवान हनुमान। भारत में और देश के बाहर सनातन धर्म को मानने वाले लोग बुरवा मंगल को धूमधाम से मनाते हैं। बुरवा मंगल पर्व मनाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है, महाभारत काल में हजारों हाथियों के बल को धारण किए भीम को अपने शक्तिशाली होने पर बड़ा अभिमान और घमंड हो गया था। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए शिव के अवतार भगवान हनुमान ने एक बुरे बंदर का भेष धारण कर उनका घमंड चूर चूर किया। आगे यही दिन चलकर बुरवा मंगल कहलाने लगा। उस रूप को ही बुरे हनुमान के नाम से जाना जाता है। दूसरी मान्यता ये है, रामायण काल में भाद्रपद महीने के आखिरी मंगलवार को ही हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। हनुमान जी लंका में रावण के सामने अपना स्वरूप वृद्ध रूप में यानी बुरे बंदर जैसा बना लिया था, जिसको देख रावण और अन्य राक्षसों ने उनका बुरे बंदर बोलकर मजाक उड़ाया था और हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी। हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को धारण कर लंका को जलाकर रावण का घमंड चूर किया। इस दिन ही हनुमान जी की खोई शक्ति हनुमान जी को याद आई थी। उस दिन से भादो मास के अंतिम मंगलवार को बूढ़ा मंगल बोला जाने लगा और हनुमान जी की बुरे रूप की पूजा की जाने लगी। इस मंगलवार को भक्त मंगलकारी मानते हैं और इस मंगलवार में हनुमान जी की विशेष पूजा करने से मनोकामना पूर्ण और कार्य सिद्ध होते हैं। भादो मास में पड़ने वाले बुरे मंगल पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक को प्रत्येक कष्ट और बाधा से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। बुरे मंगल को हनुमान जी की पूजा अर्चना और व्रत आदि का विशेष महत्व है। अगर आप हनुमान जी की पूजा किसी कारणवश साल भर में नहीं कर पाते हैं तो इस बुरे मंगलवार पर एक दिन का व्रत रख सकते हैं। प्रेत बाधा दुखों और कष्टों से निवारण के लिए हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह के बुरे मंगलवार को जो भक्त बजरंग बलि की पूजा और व्रत करता है तो उसके जीवन की नकारात्मकता दूर होने के साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपने हनुमान जी से कोई मन्नत रखी थी या कोई भेंट रखी हो जो आप चढ़ाने की बात भूल गए हो तो इस बुरे मंगलवार से अच्छा और शुभ दिन कोई नहीं है। इस दिन हनुमान जी अपने सभी भक्तों की मांगी मुराद पूरी करते हैं। बुरे मंगलवार को कई हनुमान मंदिरों में भंडारे भी करवाए जाते हैं। कहीं कहीं पर हनुमान जी के प्राचीन मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है और भजन कीर्तन गायन का आयोजन किया जाता है। इस दिन को भी लोग हनुमान जयंती के समान ही मानते हैं। कई प्राचीन हनुमान मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में हनुमान जी के कुछ प्राचीन मंदिर भी हैं जो बुरे हनुमान नाम से जाने जाते हैं, जो हनुमान जी के वृद्ध यानी बुरे या बुजुर्ग रूप को समर्पित है। अगर आप इस बुरवा मंगल पर हनुमान जी के बुरे स्वरूप वाले मंदिर में उनका दर्शन पूजन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बुरा मंगल पर्व हनुमान जी के बुरे रूप को ही समर्पित है। कुछ अति प्राचीन बुरे हनुमान मंदिर मुझे पता है जो हजारों साल पुराने हैं, जिनको बुरे हनुमान नाम से जाना जाता है। मैं आपको उन मंदिरों के नाम और स्थान बता दे रहा हूं। अगर वो आपके जिले के नजदीक हो तो आप किसी भी वर्ष समय निकालकर बुरवा मंगल पर बुरे हनुमान के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, पहला प्राचीन बुरे हनुमान मंदिर है राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना अंतर्गत पांडुपुल हनुमान मंदिर। यह हनुमान मंदिर अलवर से 55 किलोमीटर दूर है।
यह मंदिर हनुमान जी के बुरे रूप को समर्पित है। इस स्थान पर ही हनुमान जी ने महाभारत के समय में भीम को बुरे बंदर के रूप में दर्शन दिए थे। दूसरा प्राचीन बूढ़ा हनुमान मंदिर चित्रकूट मध्य प्रदेश के रामघाट मंदाकिनी नदी किनारे स्थित प्राचीन बूढ़े हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर भी हजारों वर्ष पुराना है और इस मंदिर में हनुमान बूढ़े रूप में स्थापित है। तीसरा प्राचीन बूढ़ा हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हजरतगंज लालबाग स्थित प्राचीन बूढ़े हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर में हनुमान बूढ़े रूप में स्थापित है। चौथा प्राचीन बूढ़ा हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भीकमपुर के अरतियान स्थित बूढ़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हनुमान बूढ़े रूप में स्थापित है। पांचवा प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत अलीगंज कस्बे के राधा किशन मोहल्ले में अति प्राचीन बूढ़े हनुमान का मंदिर है जो प्राचीन ककैया ईंट से निर्मित है। इस मंदिर का किसी को समय नहीं पता है कि ये मंदिर किसने बनवाया था। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार भी है। कई भक्तों को इन्होंने बूढ़े बंदर के रूप में दर्शन भी दिए है और इस मंदिर में हनुमान बूढ़े रूप में स्थापित है। तो दोस्तों, ये पांच प्राचीन बूढ़े हनुमान जी के मुझे मंदिर पता है। हो सकता है और भी बूढ़े हनुमान को समर्पित मंदिर हो। तो दोस्तों, अगर आपको कभी समय मिले तो बुढ़वा मंगल पर बूढ़े हनुमान का दर्शन पूजन अवश्य करें। आइए जाने कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। क्या है बुढ़वा मंगलवार की हनुमान जी की पूजन विधि? इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और हो सके तो बिना सिला वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और यदि व्रत न रखना चाहते हैं तो पूजा करके भोजन कर सकते हैं। इस दिन अपने पास के किसी प्राचीन बूढ़े हनुमान स्वरूप वाले मंदिर में अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान जी को चोला वस्त्र जनेऊ प्रसाद फूल माला धूप दीप से हनुमान जी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं। इस दिन आप हनुमान जी को लौक की माला भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। अगर आपको सपने में बंदर दिखाई देते हैं तो इस बूढ़े मंगल पर लंगूर या बंदरों को गुड़ चना केला आदि खिलाने से हनुमान जी सभी बाधाओं का नाश करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में भूख लगने पर केले के वृक्षों से केले और फल तोड़ के खाए थे। इसलिए इनको केले का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए और हो सके तो उसी मंदिर में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर हनुमान जी की आरती करें। उसके बाद ओम श्री राम दूताय नमः बोलकर हनुमान जी के मंदिर की 11 बार प्रदक्षिणा करें। इस दिन से आप मंगलवार का व्रत रखना भी शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस विशेष बूढ़े मंगलवार पर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बूढ़े मंगलवार का महत्व और पूजन विधि की जानकारी। आगे भी आपको सभी देवी देवताओं तीर्थों प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान।